देख रहे क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओप एम्प। क्वेश्चन है हमारे पास, द ओप एम्प ऑफ फिगर शोन बिलो हैज अ वेरी पुअर ओपन लूप वोल्टेज गेन ऑफ द 45 बट इज अदरवाइज आइडियल, द गेन ऑफ द एम्पलीफायर इक्वल्स। तो यहाँ पे डायग्राम हमें गिवन है, डायग्राम में फीडबैक रेजिस्टेंस गिवन है 8 किलो ओम और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट रेजिस्टेंस गिवन है 2 किलो ओम और ऑप्शन गिवन है हमारे पास, ऑप्शन ए है हमारे पास 5, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 4.5। तो देखते हैं हम सॉल्यूशन। क्वेश्चन में हमें यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जो डायग्राम हमें यहाँ पे दी गई है, इसमें बहुत पुअर ओपन लूप वोल्टेज गेन है और वो है यहाँ पे 45। जो ओपन लूप वोल्टेज गेन है यहाँ पे वो है हमारे पास, वो है 45। ओपन लूप वोल्टेज गेन जो है वो है इक्वल टू 45 और अदरवाइज जो ओप एम्प दिया गया है वो आइडियल है। इसका ओपन लूप वोल्टेज गेन पुअर है पर फिर भी वो ओप एम्प जो है आइडियल है। तो द गेन ऑफ द एम्पलीफायर, तो हमें गेन यहाँ पे जो है एम्पलीफायर का वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है और डायग्राम से हमें यहाँ पे फीडबैक रेजिस्टेंस जो आर एफ है वो गिवन है 8 किलो ओम और जो इनपुट रेजिस्टेंस आर वन जो है वो गिवन है हमारे पास 2 किलो ओम। तो देखते हैं हम अब सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमें देखने वाले हैं यहाँ पे जो गेन है बीटा, इसकी इक्वेशन डायग्राम से हम ये लिख सकते हैं 1/बीटा इज इक्वल टू 1+ फीडबैक रेजिस्टेंस डिवाइड बाय आर वन। तो आर एफ जो फीडबैक रेजिस्टेंस है वो 8 किलो ओम गिवन है, जो आर वन इनपुट रेजिस्टेंस है वो 2 किलो ओम गिवन है। तो वो वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे बीटा। तो 1+ फीडबैक रेजिस्टेंस है 8 किलो ओम और आर वन है हमारे पास 2 किलो ओम। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 2 किलो ओम से 8 किलो ओम अगर हम इसको कट करते हैं तो मिलेगा हमें 4। तो यहाँ पे 1/बीटा की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1+4 इज इक्वल टू 5। तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी हमें 1/5 और 1/5 होता है 0.2। मतलब बीटा की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 0.2 और ए जो है वो क्वेश्चन में गिवन है ओपन लूप वोल्टेज गेन ए, दैट इज द 45। तो हमारे पास ए बीटा हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 0.2। बीटा की वैल्यू 0.2 और ए की वैल्यू जो है वो 45 है। तो ए बीटा हमें यहाँ पे मिल जाएगा 45 इंटू 0.2 इज द 9। अब देखते हैं हम ए बीटा जो है वो 1 से कभी भी ग्रेटर नहीं रहता है। तो इसको हम अगेन फीडबैक का गेन फाइंड आउट करेंगे, वैसे ए एफ जो है वो कैलकुलेट करेंगे और ए एफ का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है हमारे पास ए डिवाइड बाय 1+ ए बीटा। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 45 और 1+ ए बीटा की वैल्यू है हमारे पास 9। तो ये पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 45 डिवाइड बाय 10। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ए एफ हमें यहाँ पे मिल जाएगा 4.5, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि द गेन ऑफ द एम्पलीफायर क्या होगा। तो वो गेन ऑफ द एम्पलीफायर हमारे पास होगा 4.5 और ऑप्शन में है डी आंसर, दैट इज द 4.5। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।